केंद्र सरकार के लाए तीन किसान बिल के विरोध में हजारों की संख्या में किसानों ने सिवनी पहुंचकर आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों का समर्थन किया। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर धरनारत आंदोलनकारियों के समर्थन में हजारों की संख्या में किसानों ने सिवनी पहुंचकर आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों का समर्थन किया। जिले में ट्रैक्टर की संख्या को देख आंदोलनकारियों के मीडिया प्रभारी राजेश पटेल ने बताया, सैकड़ों की संख्या में किसान भाइयों को बगैर रैली में शामिल किए लौटना पड़ा ताकि हमारे शहर की व्यवस्था में कोई अवरुद्ध ना हो। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को अनावरण करते हुए यहाँ से हम हमारे गंतव्य को जाएंगे और यहाँ से हम सब लोग जो दूर दराज से किसान साथी आए हैं, अगर हम रैली में जाएंगे तो साथियों को बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं आप सबके, क्योंकि अव्यवस्था को जन्म देना नहीं है, व्यवस्थाएं बनाना हमारा कर्तव्य है। हम दिल्ली में जो पूरे किसान साथी वहां पर उपस्थित हुए हैं और सभी किसान साथी जो हमारे वहां पर उपस्थित होने के बाद में बहुत से लोग अपने शहादत हो गई बहुत से लोगों की, हम यहां पर बाबा साहब अंबेडकर जी के समक्ष उन शहादत वीरों को हम यहां पर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यहीं से बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए समस्त साथियों शासन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, हम उनको भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और यहाँ पर जो निरंतर यहाँ पर धरना आंदोलन पर 44 दिन तक बैठे हुए हैं उन तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत नमन करता हूँ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अभी 2 फरवरी को हमारे यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा किसान संघर्ष समिति के माध्यम से, जो बंडोल में हमारे भाई एक शहादत हुई थी उनकी जो सैनिक, और एक अभी वर्तमान में हमारे भाई जैतपुर में शहादत हुए हैं उनको भी हम उनके माता पिता का सम्मान करेंगे। 2 फरवरी को राजेश राय जी की बरसी हम निरंतर करते चले आ रहे हैं, आप लोगों से भी हमारा निवेदन है कि उस बरसी के कार्यक्रम में आप वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उन वीर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, और जो हमारे किसान साथी दिल्ली में शहीद हुए हैं उन्हें भी हमें श्रद्धांजलि अर्पित करना है। धन्य हिंद, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय समाज, जय पत्रकार समाज और जय प्रशासन। एक मिनट सुनिए, आप लोग के आने से पहले आंदोलन आज समाप्त नहीं हो रहा है, लड़ाई चालू रहेगी। लोकसभा का घेराव 1 फरवरी को दिल्ली में होने जा रहा है। आज किसान संघर्ष समिति के डॉक्टर राजकुमार साहब ने जो भी आपको संबोधन किया है, आप लोगों का हम हार्दिक स्वागत कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।